हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं टर्टल के ऊपर। एक टॉपिक बना रहे हैं टर्टल का। देखिए, बहुत सारे लोग अभी प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं, तो मैं सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। क्योंकि टर्टल रखने वालों को ये दिक्कत होती है कि उनके आसपास में एक वेट डॉक्टर नहीं रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो मैं तो तकरीबन 2.5 साल से टर्टल्स को रख रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है इसके अंदर। किस चीज़ पे क्या ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ कुछ इश्यूज़ हो जाएगा, तो किस तरह इसको ट्रीटमेंट करना है, तो उसके हिसाब से मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक आज का एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, छोटे टर्टल्स हो या बड़े टर्टल्स हो, उनके टर्टल्स का जो है स्किन वाइट हो जाता है। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वाइट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत वाइट हुआ है बस, ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा लोगों को वाइट स्पॉट हो जाता है, या शेल जो है सड़ा हुआ लगता है, या कुछ डैमेज जैसा लगता है। बहुत सारे दिक्कत, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं शेल्स की वजह से, शेल्स के रिलेटेड, जो भी स्किन को भी हो सकता है। अगर स्किन भी अगर डैमेज है, या शेल्स डैमेज है, शेल के ऊपर वाइट स्पॉट लग चुके हैं, फंगस लग चुका है, या वाइटनेस आ चुका है, या टर्टल कहीं डैमेज हो चुका है, ये कहीं टूट चुका है, ये कहीं खून के जैसा आ रहा है, तो बहुत सारे रिलेटेड जो भी शेल्स के रिलेटेड होते हैं, ख़ासतौर पर फंगस, वाइट स्पॉट और शेल जो है डैमेज हो रहा है, तो इन तीन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो वो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने चीज़ें लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको थोड़ी चीज़ें लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, बेटाडीन करके एक लिक्विड आती है, ये बेटाडीन करके एक लिक्विड आती है जो एंटी फंगस होती है। ये शेल्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। जो डॉक्टर लोग होते हैं, वेट डॉक्टर वाले, टर्टल्स के स्किन के लिए या कोई एनिमल्स की स्किन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो बेटाडीन लिक्विड मिलता है, 100 रुपये में मिलता है आपको, नॉर्मल मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, कहीं भी जाओ, क्योंकि ये ह्यूमेंस के लिए इस्तेमाल होता है, इसे बेटाडीन कहते हैं। तो इसमें दो तीन अनेक टाइप के आते हैं, इसमें वाइट कलर का भी एक आता है लिक्विड, वो भी ले सकते हो, या इस तरह का ब्लॉक पॉकेट आता है, वो भी ले सकते हो। और नेक्स्ट हमको चाहिए विनेगर। विनेगर जो है, ये विनेगर वो नॉर्मल विनेगर है जो हम खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किचन में, वही विनेगर होता है जो 50 रुपीज़ से 60 रुपीज़ तक आ जाता है। ये दो चीज़ें ज़रूरत है पड़ेगी, और साथ में एंटी फंगस क्रीम भी आता है, वो ज़रूरत नहीं, अगर है तब भी लगा लो, वरना विदाउट एंटी फंगस क्रीम भी लगा सकते हो। दो चीज़ें काफ़ी है, क्योंकि ये बेन जो है बेटाडीन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ विनेगर है, दोनों चीज़ें काफ़ी है। और उसके साथ एक ब्रश ले लें ताकि हम लोग उसको सही से अप्लाई कर सकें, और साथ में एक कॉटन, और साथ में हैंड ग्लोव्स भी ले लें। अभी तो कोविड का सिचुएशन है, तो सब जगह मैं देख चुका, सारे मेडिकल्स में घूम चुका हूँ, कहीं भी हैंड ग्लोव स्टॉक नहीं है, सब मेडिकल स्टोर में यहाँ वहाँ जा रहा है, तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास हैंड ग्लोव्स हो तो हैंड ग्लोव्स ले लेना। तो इसको क्या करना है, अगर ट्रीटमेंट करने से पहले एक बार क्या करना है, पूरा साफ़ एक बार पानी से पाक कर ले, ऑलरेडी मैं पाक कर चुका हूँ ताकि और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं दिखाऊंगा, तो पानी से पूरा साफ़ करके इसको सुखा लेना है, सनलाइट में या कोई भी लाइट में सुखा लें, थोड़ी देर बाहर रख दें। सूखने के बाद क्या, मेडिसिन अभी तैयार कर लेना। मेडिसिन कैसे तैयार करना है, पहले आपको पानी डालो जितना चाहिए आपके टर्टल के हिसाब से, जितना आपका बड़ा टर्टल से उतना आप मेडिसिन लगा लो। तो इसमें बेटाडीन, यहाँ पर देखिए मैं 2 कैप डाल रहा हूँ मैं टर्टल्स के लिए, इस तरह का आता है। इसमें वाइट भी आता है बेटाडीन, 2 भी लगा सकते हो, और साथ में विनेगर, विनेगर जितना आप बेटाडीन डालो उतना ही, उससे थोड़ा ज़्यादा डालो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसको घोल ले। तो अभी क्या करना है, अभी जहाँ पर आपके टर्टल ले लो, टर्टल लेकर क्या करना है, इस तरह से एक नीचे मेडिसिन गिर सकती है, इससे थोड़ा टप वगैरह कुछ रख लो, इसे ब्रश से हल्के से लगाना है। आप ब्रश से भी लगा सकते हो, चाहे तो आप इस तरह की एक कॉटन से भी लगा सकते हो, कोई इस चीज़ से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि ब्रश से ही लगाना है करके, इससे भी आप लगा सकते। इससे क्या होगा, टर्टल का जो वाइट शेल है वो ख़त्म हो, वाइटनेस ख़त्म हो जाएगा, और शाइनिंग भी आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाइनिंग किस तरह ना टर्टल्स के ऊपर, तो शाइनिंग के लिए भी यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, उसकी आँखों के ऊपर नहीं लगना है, अगर आँखों को लगेगा तो इन्फेक्शन होगा। जैसा कि हम लोग साबुन चला जाएगा तो आँखों के अंदर जितनी तकलीफ़ होती है, सेम इसी तरह इसको भी तकलीफ होती है, इसलिए आँखों के पास मत डालें। तो इस तरह इसे भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश में कम यूज़ करूँगा क्योंकि ब्रश ज़्यादा हार्ड होता है, जितना भी आप स्मूथ यूज़ करो वो हार्ड ही होता है इनके लिए, बाद में हम जहाँ पर कॉर्नर्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा स्मेल आएगी, तो इस तरह नीचे का शेल, अगर यहाँ भी वाइट फंगस है, वाइटनेस आ चुका है, या शेल सड़ रहा है, या कोई डैमेज हो चुका है, वहाँ पर भी लगा देना है। तो अभी क्या करते हैं, हम ब्रश से थोड़ा बहुत यहाँ पर जो
पैचेस होते हैं सेंटर में, वहाँ पर हल्के से, ज़्यादा रफ़ नहीं करना है क्योंकि छोटा, अगर ये बड़े टर्टल्स है बहुत हार्ड होता है। अगर आपके पास छोटे टर्टल्स हैं कॉइन साइज़ के, तो उसके लिए ब्रश बिल्कुल इस्तेमाल मत करो क्योंकि ब्रश बहुत हार्ड होता है, तो उसका स्किन जो है उसका शेल भी डैमेज हो सकता है। उसके लिए आप सिर्फ इस तरह का काटन इस्तेमाल करें। तो मैं बड़ा, मेरा टर्टल जो है बड़ा है तो इसलिए थोड़ा बहुत हार्ड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कर लें। तो इस तरह करने के बाद 2 मिनट छोड़ दें ताकि ये इसका रिएक्शन ले सके। 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। सूखना नहीं है, सूखने नहीं देना है। अगर पूरा सूख जाएगा तब भी फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप उसको दोबारा निकाल नहीं सकते, फिर पानी से वॉश करना पड़ेगा। इसलिए 2 मिनट के लिए छोड़ दें। 2 मिनट के बाद क्या करना है आपको, काटन से फिर पूरा वॉश कर लेना है। एक बार पूरा निकाल देना, जितना भी यहाँ पर था सबको पोंछ लेना है। फिर दोबारा थोड़ा बहुत देखिए इस तरह का स्किन निकलता है। अगर टर्टल्स का स्किन निकल रहा है तो ये कॉमन है, देखिए यहाँ पर ये, इसको शेडिंग कहते हैं। इस तरह का स्किन निकलता रहता है, इसको शेडिंग करते हैं, मतलब नया वाला अंदर से आता रहता है, वो पुराना वाला निकलता रहता है। जितना आप सनलाइट दोगे या यूवी लाइट दोगे उतना पुराना जो है वो निकलता रहेगा, वो नया वाला अंदर बनता रहेगा। ये कॉमन है, शेडिंग कहते हैं इसको। तो देखिए ऐसा हो गया। फिर इसको क्या करना है, एक बार पानी से आप वॉश कर लेना है इस तरह। इससे क्या होगा, ऊपर से जो रफली हो जो है वो क्लीन हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट राउंड हो गया, तो सिंपली था, फर्स्ट राउंड हम लगा लिए। फर्स्ट राउंड के लिए ऐसा होता है। फिर दोबारा सेकेंड राउंड भी हमको अप्लाई करना है। इस तरह फर्स्ट राउंड करने से होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया बना हुआ होता है या हार्मफुल बैक्टीरिया कोई भी होते हैं वो निकल जाते हैं। पहली बार इस तरह सिंपली वॉश कर ले। सेकेंड टाइम को क्या करना है हमको, लगाकर थोड़ा ड्राई होने के लिए रखना है। मेडिसिन मैंने ज़्यादा डाल ली है, तो आप अपने हिसाब से डालो। देखिए मैं ऑलरेडी जो मेडिसिन डाला हुआ है, क्योंकि मेरे पास और 3 टर्टल्स हैं उसको भी वॉश कर लूँगा, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा शाइनिंग आता है। ये हमेशा इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी जब को ज़रूरत पड़े तभी इस्तेमाल करें। अगर शाइनिंग वगैरह लाना है शेल्स के ऊपर तो महीने में एक बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार भी इस्तेमाल मत करें क्योंकि ज़्यादा ओवर डोज से भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अगर आप शेल का फंगस है तब इस्तेमाल कर सकते हो। डेली इस तरह करना है 2 हफ्ते तक। शेल जो है डैमेज है या इसकी कोई शेल का प्रॉब्लम्स है, सड़ रहा है शेल या वाइट स्पॉट हो, फंगस है, तो इसके लिए 15 दिन तक इस तरह प्रोसेस करना है। तो देखिए अभी इसे लगा चुके, अभी क्या करना है इसको, तो अभी इसको क्या करना है, इसी तरह ड्राई एरिया में रख देना है। तो इस तरह आपको एटलीस्ट 1 घंटे के लिए ड्राई एरिया में रखो, 1 घंटा। तो मैं वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ, अभी मैं 1 घंटा रख के आपको दिखाऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो 1 घंटे बाद क्या करना है इसको, फिर दोबारा पानी से अच्छे से वॉश कर देना है, क्योंकि अभी दोबारा पानी टैंक में जाएगा, दूसरे टर्टल्स हैं उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह अच्छा पानी से वॉश कर लें। अच्छा, वॉश करने के बाद दोबारा इस तरह क्लीन कर लें। जो भी मेडिसिन यहाँ पर है वो पूरा निकाल देना चाहिए। तो अभी इस तरह करके क्या करना है, 4 घंटे के लिए ड्राई एरिया में रखना है आपको। कहीं भी रखो, यूवी लाइट के नीचे रखो या इनडायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखो या ऐसी सूखी जगह में रखो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे इसी तरह रखना है। पहले जैसा मैंने कहा कि बेटर एंड लिक्विड जो है उसको मिक्स कर लो, एक बार लगाओ, एक बार लगाने के बाद एक बार वॉश कर लो। फिर दोबारा क्या है, दोबारा लिक्विड लगाने के बाद मेडिसिन 1 घंटे के लिए उस मेडिसिन के साथ ही रखना है। फिर दोबारा पूरा वॉश करने, मेडिसिन पूरा निकाल दो वॉश करने के बाद, फिर 4 घंटे के लिए ड्राई एरिया में रखो। 4 घंटे के बाद आप नॉर्मल वाटर में डाल सकते हो जो आपका टैंक है। तो डेली इसी तरह करना है, तो 2 हफ्ते तक इस तरह करना है। 2 वीक इस तरह करोगे तो आपका टर्टल का शेल जो है वो वाइटनेस निकल जाएगा, फंगस है तो फंगस निकल जाएगा, शेल डैमेज और डैमेज निकल जाएगा। अगर शेल सड़ रहा है तो वो भी सही हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस टर्टल्स के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स लाता रहता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स आते रहेंगे टर्टल्स के ऊपर। और मुझे पॉन्ड भी बनाने वाला हूँ ऊपर, तो अभी लॉकडाउन लग चुका है तो इसलिए पेंडिंग है, बहुत जल्द अपडेट आएंगे इसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।